वेलकम टू प्रिंट मास्टर। प्रिंट मास्टर में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको एप्सन प्रिंटर मॉडल नंबर 3210 के बारे में मैं बताऊंगा, अपना कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर्स करूंगा। ये प्रिंटर मुझे बाय किए हुए ऑलमोस्ट 3.5 से 4 महीना हो गया है, ठीक है। लगभग मैंने इसमें 2000 से ज़्यादा पेजेस निकाले हैं, अप्रॉक्स 2500 के आसपास, ठीक है। और मैंने अपने प्रिंटर का स्टेटस भी चेक किया है, ये आप देख सकते हैं। प्रिंट का कंडीशंस भी बहुत अच्छा है, हेड का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, और ये रिजनेबल रेट में चीप एंड बेस्ट प्रिंटर है। अभी मैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर कोई भी प्रिंटर में हम इंक रिफिल कर रहे हैं, टैंक प्रिंटर में इंक रिफिल कर रहे हैं, तो इस प्रिंटर में मुझे एक चीज़ खासियत ये देखने को मिला है कि इसमें जो आपका जो टोनर जो रिफिलिंग होता है, इसमें उसका टेक्निक बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आप ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल टोनर है, एब्सेंस का कोड है इसका 003, ठीक है। ये आपके 350 के आसपास में ये आ जाता है। जैसा कि मैंने एब्सन L1800 भी यूज़ किया है, उसका टोनर काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो 600-650 के आसपास आता है, ये आपके 400 के अंदर में मिल जाता है। ये ओरिजिनल टोनर है, तो हम इसे रिफिलिंग करेंगे, तो इसमें रिफिलिंग का टेक्निक बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे रिफिल किया जाता है। ये A4 प्रिंटर है, इसमें आप कलर ब्लैक एंड वाइट, ग्लॉसी, मैट सब में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसे रिफ़िल कैसे करते हैं, चलिए इसमें हम सीधा अदर प्रिंटर में हमें डालने में, प्रिंटर को रिफ़िल करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे सीधे उल्टा करके प्रिंटर में लॉक कर देंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं ये कैसे होता है। ये देखिए, प्रिंटर मॉडल नंबर L3210, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक टोनर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये आप देखिए पूरे डेड एंड में है, ये टोनर फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसे रिफिल करेंगे। यहाँ देखिए 4 कलर है, ब्लैक कलर भी है। इसे हम लॉक को खोल लेंगे, कवर को, और ये है आपका, इसमें डायरेक्ट ऐसे लगा करके लॉक कर देंगे, बस हो गया, ये इसमें रिफिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे उठ रहा है आपका, ये देखिए, ये देखिए, आप एक रिफिलिंग जो हो रहा है इसमें आप साउंड भी सुन सकते हैं। देखिए ये पूरा रिफिलिंग कंप्लीट हो गया है, अब इसे हम निकाल देंगे। ये ऑलमोस्ट पूरा आपका रिफिलिंग भी कंप्लीट हो गया है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें कि आप बॉटल को उल्टा करके बस लगा देना है, ये ऑटोमेटिकली रिफिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट रिफिल हो चुका है, अब हम इस कवर को बंद कर देंगे। और चलिए हम इसमें एक डेमो प्रिंट आउट करते हैं और आपको इसकी क्वालिटी को दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें अभी भी टोनर है, इसमें इंक है, इसमें अभी भी है, लेकिन क्या है कि इसमें जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से निकलना इंक बंद हो जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ये ओवरफ्लो नहीं होता इससे। आप इसमें इसे उल्टा करके डाल दीजिए, इसमें जब टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा, तो बचा हुआ इंक इसके अंदर में है, इसे हम बाद में रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको हम एक डेमो प्रिंट आउट करके दिखाते हैं। चलिए, हमारा ये प्रिंट आउट सेटअप रेडी हो गया है, हम एक प्रिंट करते हैं फोटो पेपर में और फिर इसका क्वालिटी देखते हैं। इसका प्रिंट का स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, आप देखिए, मैंने एक 6-4 फोटो पेपर कार्ड में मैंने एक फ़ोटो प्रिंट किया है।
आप इसका स्पीड आप देख सकते हैं ये कितना वक्त लगता है। देखिए इसे मैंने फोटो मोड में मारा है, एप्सन मैट। ये देखिए आप प्रिंट आउट निकल रहा है। मैंने स्कैनर से इसे स्कैन किया है, ये ओरिजिनल कॉपी। इसे मैंने स्कैन करके प्रिंट आउट मारा है, ये आप क्वालिटी देख सकते हैं इसका, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी निकल रहा है। ये देखिए ये निकल भी गया है, काफ़ी फास्ट निकला है ये। ये है ओरिजिनल कॉपी और ये उसका कॉपी मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी निकला है। तो इसी तरह आप इस वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।